पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम हम स्टूडेंट्स का है। ये कार्यक्रम किसी जाति का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम हम स्टूडेंट्स का है। सही कहा अध्यक्ष महोदया, आपके ये बयान ब्यावर में राजनीति करने वाले दिग्गजों पर गहरा तमाचा है, जिसकी गूंज शायद प्रदेश के गलियारों में गूंजेगी। आपकी यह बात हर उस मन को टटोलेगी जिसने दगाबाजी कर ब्यावर के वैभव पर विराम लगा दिया। आखिर 18 साल बाद ब्यावर कॉलेज में NSUI का परचम लहराया। मौका था कार्यालय उद्घाटन का। जनाब प्रदेश कांग्रेस महासचिव, RCA अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले थे। तैयारियां शुरू हुई, शहर NSUI के झंडों से सजने लगा, पोस्टरों पर वैभव के आगमन की बधाइयां बटने लगी, जगह जगह इंतजार में स्वागत द्वार तैयार हुए, खाकी तैनात हुई, प्राइवेट बाउंसर तक बुलाए गए, पांडाल सजा, नेताजी के लिए खास पकवान तैयार हुए, मालाएं गुदगुदाई, चर्चाएं थी आज ब्यावर कॉलेज को कुछ नया मिलेगा। लेकिन जनाब सब धरा रह गया। फीते की इस लड़ाई में छात्रों के विसात पर दिग्गजों ने ऐसा खेल खेला कि खुद जाने माने खेल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत मैदान में ही नहीं आए। कॉलेज के पिच पर छात्रों की ऑडियंस के बीच खिलाड़ी तो मौजूद थे, लेकिन गेंदबाजी की खींचतान में RCA अध्यक्ष बैटिंग करने नहीं पहुंचे। यहाँ की राजनीति ने ऐसा मैच खेला कि मैदान में बिना बल्लेबाज आए एम्पायर ने आउट का फैसला दे दिया। जी हाँ, आपने नजरअंदाजी की, इसलिए दिग्गज नेताओं ने दखलअंदाजी की। दखलअंदाजी का तीर ऐसा चला कि प्रदेश कार्यालय में जाकर लगा, तीर की चोट काम आई और फरमान आया कि वैभव गहलोत बीच रास्ते से वापस लौट गए हैं। हमने कारण जाना तो कांग्रेस नेताओं में गुस्साए चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। पड़ताल की तो सामने आया कि PCC सचिव को नजरअंदाज करना कॉलेज के व्यवस्थापकों को भारी पड़ गया। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापकों ने मन्नते न मांगी हो। नजरअंदाज की राजनीति में ऐसा मोड़ भी आया जब संगठन के मुखिया सोहन मेवाड़ा और PCC सचिव पारस पंच ने किसी का फोन नहीं उठाया, ढूंढा तो मिले नहीं। हालात विकट होते गए। आमंत्रण की तैयारियों के बीच एक तरफ सैकड़ों छात्र उम्मीद लिए बैठे थे तो उधर राजनीति के चूल्हे पर अलग ही खिचड़ी पक रही थी। भ्रम की आंच इतनी तेज थी कि वैभव गहलोत को बैकफुट पर आना पड़ा। एक तरफ शहर में लगे पोस्टरों में PCC सचिव सहित संगठन को नजरअंदाज किया गया तो दूसरी तरफ संगठन के मुताबिक कॉलेज में व्यवस्था संभाल रहे कुछ लोग कांग्रेस के दगाबाज बताए गए। आखिर दोनों की आपसी खींचतान में कॉलेज छात्र राजनीति फिर शर्मसार हुई। आनंद फानन में ABBVP द्वारा घोषित आतिथ्य में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हालांकि NSUI के प्रदेश पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन उनकी उपस्थिति मायूस चेहरों पर रौनक नहीं ला पाई। असमंजस, अहंकार और अपनत्व की इसी राजनीति ने सैकड़ों छात्रों के हितों पर धोखे की तलवार चलाई। बदलाव की सोच और निखरती राजनीति की पहली सीढ़ी का ये मंच खुद आज दिग्गजों की राजनीति के आगे अपंग हो गया। आखिर कब तक ब्यावर की अपेक्षाएं उपेक्षाओं के साये में दब कर रहेगी? कब तक दलगत राजनीति कुठाराघात कर अपना हित सहेजती रहेगी? आखिर कब तक फूट राजनीति का दंश ब्यावर झेलता रहेगा? आप और हम समाधान की प्रतीक्षा में। विजुअल एडिटर चंद्रेश साहू के साथ कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, JSK News।